वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, सबसे पहले वैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री के पी से स्टॉक आपको रिलेटिवली ऊपर देखने को मिलेगा, मतलब डबल से भी ज्यादा है। मार्केट कैप 3100 करोड़ का है। पेग रेशियो यहाँ पे नेगेटिव के अंदर है। पेग रेशियो जब नेगेटिव में होती है तो इसका मतलब यहाँ पे ये यह कि जो एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ है वो डाउन साइड पर है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की 9% पे, वहीं सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स के अंदर 15% के आसपास रही है। डेट टू इक्विटी 1.15 पे, प्राइस टू बुक 4.71 है। एक लास्ट मेट्रिक और देखते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा टिप्पणी भी करेंगे। मार्केट कैप 3100 करोड़ का है। एक बार एनुअल लेवल पर सेल्स देखे लास्ट ईयर की तो 1800 करोड़ थी, तो मार्केट कैप टू सेल्स तकरीबन 2x पे, यहाँ पे 2x से कम है, 1.7-1.8 के आसपास में वहां पे स्टॉक में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देखो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज सबसे पहले ये समझते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर वैल्यूएशन जो है वो सर्टनली मैटर तो करते हैं। यहाँ पे जो एक फैक्टर देखने को मिल रहा है कि सेल्स ग्रोथ के अंदर जो ड्रॉप देखने को मिला है, सेकेंडली यहाँ पे जो पेग रेशियो नेगेटिव में जाता हुआ नजर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। बट अगर आप यहाँ पे मैक्रो सिनेरियो को समझोगे तो जो इनका बिजनेस प्लाई का बिजनेस है, और भी मैं आपको इनके पास प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी इनमें डील करती है। बट अल्टीमेटली आप समझो कि इनका जो है यहाँ पे जो प्लाई का बिजनेस होता है एंड जो इनके कैटेगरीज है वो यूज होती है जब घर को रेनोवेट किया जाता है या फिर नए बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि यहाँ पे जब भी इस सेक्टर के अंदर इंड्यूसमेंट होगा, मतलब ये सेक्टर के अंदर जब तेजी आ रही होगी, तब हम देखेंगे कि इसके सेल्स के अंदर भी एक वाइड पेस ग्रोथ आएगी, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड डाउन रहता है। तो वही चीज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से फर्दर क्वार्टर्स की, तो उसके रिजल्ट काफी ज्यादा मैटर करेंगे यहाँ से, एंड वो देखने रहेगा कि किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आरओसी 11.6% पे रहा है, आरओई 14.1% के आसपास में रहा है कंपनी का। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो दिसंबर 2023 में 621 करोड़ के सेल्स देखने को मिले थे, वहीं दिसंबर 2022 में 428 करोड़ के सेल्स थे। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि जो एक सेल्स में टर्न अराउंड है उसके चांसेस बन रहे हैं, वो चीज यहाँ पे हमें देखने को भी मिली। 7% से मार्जिन जो बढ़ के 9% तक गया। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अगर इसी तरीके से अपर एंड पे रहते तो वो एक अच्छा पॉइंट रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन 27 करोड़ का था, वहीं अगर हम लोग 2022 में बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा था। अब क्यों था ज्यादा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा है क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे हायर इंटरेस्ट रेट पीरियड है, तो 6 करोड़ से बढ़कर वो सीधा इंटरेस्ट कॉस्ट 20 करोड़ के आसपास है, एंड डेप्रिसिएशन की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से बॉटम लाइन में भले ही आपको नेट प्रॉफिट कम दिख रहा है बट ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी ने प्रॉफिट को बढ़ाया है। बात करते हैं एनुअल लेवल पे सेल्स की, तो देखो यहाँ पे 2019 से पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ये कोई स्पिन ऑफ तो नहीं है ना, एक बार देख लेते हैं, लग ही रहा था 2019 में एक स्पिन ऑफ है। अगर हम लोग इससे 2019 के बाद बात करते हैं तो 2020-21 के जो पीरियड थे वो ऐसे पीरियड थे जहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं था। 2021 के बाद में जो है एक वापस से ग्रोथ जर्नी हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे ये जो लास्ट 3 ईयर्स का डेटा है, मुझे लग रहा है इस एंड पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज ये कंप्राइज कर रहा है स्पिन ऑफ के साथ में, तो उस वजह से इस एंड पे प्रॉब्लम रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेल्स देखते हैं 2022-23 की, तो वो 2019-20 से ज्यादा थी, विच इज अ गुड थिंग। ट्रेडिंग 12 मंथ्स में 2100 करोड़ के आसपास के सेल्स चल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% के करीब है। बॉटम लाइन जो है यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट का कंपोनेंट बढ़ रहा है। आते हैं अभी डेट पर। देखो, डेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 2022 के बाद से थोड़ी सी एग्रेसिव बोरोइंग करी है। इनफैक्ट 2021 के बाद से हम लोग देखेंगे तो 200 करोड़ से बढ़ के जो सीधा डेट है 2023 में 700 करोड़ तक हो गया था। अब इसके अगर हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स देखते हैं तो उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को सबसे ज्यादा एड ऑन किया है। जब कंपनी इतना ज्यादा कैपेक्स करती है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट के लेवल पे प्रॉब्लम होती है। एक बार यहाँ पे कंपनी के रेशियोज को देखते हैं, देखो डेटर डेज जो है यहाँ पे 45 डेज के, एंड डेज पेबल जो है 79 डेज के, तो मतलब डेज पेबल यहाँ पे जो है कंपनी के कम हुए, मतलब ये पैसा जो है जल्दी दे रहे हैं। इन्वेंट्री डेज की बात करें तो वो 90 डेज का पीरियड है, मतलब हर 3 महीने में इनकी पूरी इन्वेंट्री जो है यहाँ पे क्लियर हो जाती है, और 45 डेज के अंदर जो है इन लोग के पास में पेमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है कंपैरेटिवली अच्छा है। अगर ये कैश कन्वर्जन साइकिल और ज्यादा बेटर होती है ना यहाँ पे, तो ये कंपनी के एडवांटेज में वर्क करेगा। अगर हम लोग ऑपरेटिंग लेवल पे देखते हैं तो इनका पैसा कहाँ फंसा है उसका आइडिया लगेगा। देखो, रिसीवेबल्स के अंदर इन लोग का जो है कैश फंस रहा है, ये एक चीज देखने को मिल रही है। इन्वेंट्री में बढ़ रहा है भले ही, बट देखो क्योंकि इतना ज्यादा कैपेक्स करा है कंपनी ने, तो इन्वेंट्री के अंदर पैसा ब्लॉक होना समझ में आता है। रिसीवेबल्स के अंदर जो है पैसा ब्लॉक होना थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, तो वो एक चीज समझनी है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके स्क्रीन पे है। FIIs ने स्टेक को ऐड किया है, DIIs ने कम किया है, पब्लिक के पास में हमें स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया है।
एंड इसमें भी जो वेल्दी इन्वेस्टर्स एंड कंपनी होल्ड करते हैं वो आपके स्क्रीन पर है। 18 अगस्त 2023 को लास्ट 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी के द्वारा देखने को मिला था। ग्रीन प्लाई ने जो है अपना 51% स्टेक दुबई सब्सिडरी के अंदर ट्रांसफर किया था। ये न्यूज है, आप इसे देख सकते हैं। इससे फंक्शनिंग पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप दूसरे एस्पेक्ट्स देखेंगे तो उन एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखो यहाँ पे लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, स्टॉक इस जोन में ट्रेड कर रहा था एंड ये जो है क्रिटिकल रेजिस्टेंस थी स्टॉक के लिए 228 की। इसके ऊपर क्लोजिंग मिली कॉन्टिन्यूसली, एक अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट इसके नीचे एक पुल बैक भी फाइनल हो गया तो वो और सॉलिड पॉइंट होता है। जैसा मैं हमेशा बात करता हूँ आपके साथ में, ये लेवल ब्रेक होने के बाद में देयर आर चांसेस कि स्टॉक जो है यहाँ से इस लेवल तक हेड कर जाएगा, विच इज क्लोज टू 260 रुपीज का लेवल। देखो जो लोग लॉन्गर टर्म के लिए सोच रहे हैं ना, आपको काफी सारी चीजें कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। मैं आपकी जगह पे होता तो मैं एक और क्वार्टर का वेट करता, मैं रेट कट का बेसिकली वेट करता। एक बार रेट कट आते तो चीजें मुझे लगता है एक बेटर हैंड पे होती एंड मैं उसका वेट करता। एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पे 2018 में देखे तो कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, विच इज क्लोज टू 320 का लेवल। वापस जो है उसी लेवल तक स्टॉक हमें हेड होता नजर आ सकता है। ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहने वाली है यहाँ पे, और जो हम लोगों ने लेवल मार्क किया 260 का, देखो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी यहाँ पे ब्रेकआउट के। बट यहाँ से आप समझें कि स्टॉक थोड़ा सा स्लो हो सकता है, तो वो एक चीज आपको यहाँ पे समझ कर चलनी है। अगर आप यहाँ पे पोजिशन बना रहे हैं 260 रुपए के ऊपर एंड आप सिर्फ मोमेंटम के लिए ले रहे हैं, तो देखो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर स्टॉप लॉस। आपका जो अच्छा जोन बनेगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सीइंग कि आप 320 रुपए तक रुक जाएंगे तो 230 रुपए जो है वो एक अच्छा रेशियो बनेगा। इसके नीचे क्लोजिंग मिलने लगती है, वॉल्यूम भी आती है तो प्रॉब्लम होती है। देखो वॉल्यूम बहुत सी चीजें बताती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन जरूर आया मगर वॉल्यूम बिल्कुल मिनिमल थी, तो आपको अच्छा आइडिया लग जाना चाहिए था कि यहाँ से जो है देर आर चांसेस कि एक वापस से रिटेस्ट हमें ऊपर के लेवल तक देखने को मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे हुई भी, तो वो एक चीज आपको समझनी है। बट आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।